सलमान कहाँ चला गया यार? पैसा सारा कुल्फी ले गई। ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कोई पकड़ ना ले। हर चीज फेमस है। आलू पराठा और एक बहुत ही बढ़िया है। तो बड़ी मुश्किल से जगह मिली है। तिवारी जी कॉर्नर चंद, पूरी पराठे वाली गली है। सलमान लेके आ गया, अभी हम लोग खाएंगे। तो गाइस, घी की बढ़िया सी स्मेल आ रही है। मुंह में पानी आ रहा है। पराठों को सीधा घी में फ्राई कर रहे हैं। घी के अंदर, मतलब शुद्ध घी के अंदर सीधा डीप फ्राई। यार मैं धूप में घूम घूम के काला हो गया ऐसा लग रहा है। चलो अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ खाना है। देखते हैं अब क्या बचा। छोले कुलचे खत्म हुए, पराठा खत्म हुआ। लेट्स सी। वेलकम टू पराठा वर्ल्ड। सिंस 1889 पीटी बाबू रामदेव दीनदयाल। तो अभी हम यहाँ के भी पराठे ट्राई करें। तो गाइस, यहाँ पे हमने दो पराठे मंगाए हैं, एक आलू पराठा और एक लेमन क्या है इसका नाम, नींबू और मिंट पराठा। दो पराठे हैं साथ में। ये सेम हर जगह सेम सिस्टम है, चटनी सब्जी। ये थोड़े स्वीट होता है, अच्छा मुझे पसंद आया ये। और ये दो और सब्जियाँ, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। साथ में हमने लस्सी भी ऑर्डर की है, बहुत ही बढ़िया है। कितना हुआ भैया? दो लच्छी, एक आलू पराठा, एक नींबू पराठा। पानी की बोतल वगैरह नहीं? कुछ भी नहीं। 320 सर। गाइस, ये रबड़ी खा रहे हैं अभी हम लोग। सलमान, कुल्फी कौन सी आ रही है? देखने सब ले रहे हैं। शर्मा जी की यादगार कुल्फी है, फेमस है भैया। भैया शर्मा जी की कुल्फी का मैंने पता नहीं कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। ले लेना तो एक केसर पिस्ता। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पराठे वाली गली से बाहर निकल रहे हैं। पसीना देखो, घर में बहुत है। सलमान कहाँ गया? सलमान कहाँ चला गया यार? और सलमान मिल गया। तो गाइस ये देखिए, जो पीछे है हल्दीराम, यहाँ पे भी बहुत पैर रखने की जगह नहीं है। ये भी काफ़ी फेमस है। लेकिन सच बताऊँ, हमने जो गली में अंदर खाया, पराठे वाली गली में, सस्ता था और बहुत ही लाजवाब था, टेस्टी था, यमी था, बहुत ही मज़ा आया। और छिल्ले जो हमने जो शर्मा जी की कुल्फी खाई है, पैसा सारा कुल्फी ले गई। ये देखो मेरा बच्चा कहाँ है? कदम कदम पे, मतलब दिल लुभाने वाली चीज़ें हैं, एक से एक चीज़ें हैं। मुझे डर भी लग रहा है अभी कि मास्क बिना मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कोई पकड़ ना ले। मज़ा नहीं आती, गर्मी है यार। सामने क्या है, यहाँ भी लाइनें लगी है देख। पता नहीं, हर चीज़ फेमस है यहाँ पे ऐसा लग रहा है। हर चीज़ फेमस है। अभी हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, बताता हूँ मैं कौन सी आइसक्रीम। चलिए तो कल देखिए, ये मैंगो को अभी छील रहे हैं। मैंगो के अंदर ये लोग ने आइसक्रीम स्टफ किया है। अभी इसे कट करेंगे।
मैंगो स्टफ कुल्फी इज रेडी। तो गाइस देखिए हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं चांदनी चौक से, तो सामने लाल किला नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत है देखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सीधे जाएंगे होटल पे। तो बहुत ही जल्दी कैब आ गई है, बहुत ही बढ़िया। वरुण कुमार ना सलमान हो ललित ये लोग बना ड्रेस किला में क्या है, मतलब जाके अंदर जा सकते हैं टिकट वगैरह? पुरानी चीजें हैं, जो बादशाह के नहाने वाने का टॉप वॉप है। अच्छा, पीने के लिए बैठने का सब है। और टाइमिंग क्या है इसका? टाइम 4 से पहले पहले बस बंद हो जाएगा 4 बजे। अच्छा, चलिए शुक्रिया, हो गया भैया। ओके गाइस, ऑलराइट गाइस, तो वी आर एट होटल नाउ। थक गए यार, शाम के 4:30 बज गए, अभी बस सोना है। नहीं सोना नहीं है, आधा घंटा आराम करेंगे फिर जिम चलेंगे। जो भी हो, ये होटल का वाइब ही कुछ और है, नेक्स्ट लेवल है। होटल में घुसते आधी थकान उतर जाती है। एम्बियंस भले ये होटल्स के रेट्स ज़्यादा होते हैं रेंट कंपैरेटिवली, लेकिन अलग ही बात है यार। जो एम्बियंस बोलो, देखो बैकग्राउंड म्यूजिक देखो, ये मैटर करता है। कूलिंग फीलिंग कूल डाउन। यस वाह, ठंडक क्या आ तो जा तू पहले, फिर मैं जाऊंगा। शावर लेंगे, आधा घंटा रेस्ट करेंगे। नींद चढ़ी है पर सोना नहीं है। ओह माय गॉड, ऑलराइट गाइस, तो अभी चेंज करना पड़ेगा, इतना धूप में घूमे हैं, इतनी गर्मी, पसीना पसीना, शावर लेना पड़ेगा। शावर और लेते हैं और फिर आराम से मिलता हूँ मैं। लेकिन एक घंटे के बाद मुझे लगा कि मेरा बॉडी जवाब दे रहा है।